इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स वी हैव स्टडीड दैट की बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम्स, दीज आर बिलोंग टू ग्रुप 3A एलिमेंट्स. ओके एंड दीज पीरियडिक टेबल में ये एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 3A बोल सकते हैं और 13 ग्रुप बोल सकते हैं. क्लियर है बेटा? ऑल ऑफ यू 13 ग्रुप से बिलोंग करते हैं. एंड इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल ऑफ यू नो कि NS1 और NS2 NP1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. क्लियर? एंड बोरॉन हैज टू, बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, गैलियम एंड इंडियम हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टीमेट सेल. पेनल्टीमेट सेल जानते हो आप लोग? जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, सपोज एल्यूमिनियम 13, तो 2, 8, 1 और 2, 1 होगा ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो जो पेनल्टी मेट सेल होती है, इस सेल को हम लोग पेनल्टी मेट सेल बोलते हैं. क्लियर है? ओके, सो ये डिफरेंस हो गया. ओके, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डिफरेंस भी देखा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होता है. एंड सिमिलरली एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स इन द ग्रुप और इन द पीरियडिक टेबल. हम बोल सकते हैं जितने भी अर्थ में एलिमेंट्स होते हैं या अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स. क्लियर है? इन द मेटल्स ऑल ऑफ यू. ओके, जो गैलियम एंड इंडियम एंड थैलियम आर द लेस एबंडेंट इन नेचर. गैलियम इंडियम एंड थैलियम लेस एबंडेंट इन नेचर. आप लोगों को क्लियर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. ओके, बोरॉन इज नॉन मेटल्स एंड अदर एलिमेंट्स आर मेटेलिक कैरेक्टर. बोरॉन इज नॉन मेटल एंड अदर एलिमेंट हैव मेटेलिक कैरेक्टर्स. ऑल ऑफ यू क्लियर? किसी को कोई डाउट है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ. अगर किसी को किसी पॉइंट पे डाउट है, मेरे को रोक दो कि सर ये समझ नहीं आया था उस टाइम पे, तो मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, इनकेस मैं सारा चीज लिखूंगा तो लेक्चर इसी में रिकैप में चल जाएगा. मैं ट्राई टू मैं करता हूँ कि पूरा जितना हम शुरुआत से पढ़े उसको रिकैप करें एंड देन आज का लेक्चर कंटिन्यू करें. इसमें मैं क्या करूंगा, आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म करने का ट्राई करूंगा. ओके, हम लोग का एक ही टॉपिक रह गया, दैट इज एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड्स. एल्यूमिनियम एंड कंपाउंड्स ये रह गया और कुछ नहीं रह गया. तो हम एल्यूमिनियम की जो प्रोसेस है, एल्यूमिनियम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड्स है लाइक AlOH का होल थ्राइस, Al2Cl3, ये कंपाउंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे एंड Al2O3. ओके, सो इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस हमने डिस्कस किया. डू नॉट इंक्रीज रेगुलरली, डाउन द ग्रुप जाने पर रेगुलरली इंक्रीज नहीं होती है. बिकॉज अ लार्ज इंक्रीज बिटवीन बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इज ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, जो बोरॉन और एल्यूमिनियम होता है उसमें लार्ज चेंज हो जाता है इन द एटोमिक रेडियस और आयनिक रेडियस. ओके, एंड डाउन द ग्रुप जाने पर गैलियम हैज ऑलमोस्ट इक्वल, बोरॉन एल्यूमिनियम एंड गैलियम हैज ऑलमोस्ट इक्वल साइज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट. पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाने के कारण से डाउन द ग्रुप जाने पर उतना चेंज नहीं दिखता है जितना चेंज हमको बोरॉन टू एल्यूमिनियम में दिखता है. उतना डाउन द ग्रुप जाने पर गैलियम इंडियम एंड थैलियम में चेंज नहीं दिखता है. समझ गए? ड्यू टू द 3D पुअर शील्डिंग इफेक्ट. ओके, शील्डिंग इफेक्ट ऑलरेडी आप लोग जानते हो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट, दैट इज अ डेंसिटी. डेंसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट इज अ डेंसिटी. डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीजेस होती है. ओके, एंड गैलियम हैज यूजुअली एक्सपेंशन ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन. जब गैलियम को हम सॉलिडिफाई करते हैं, गैलियम को हम सॉलिडिफाई करते हैं तो सॉलिड गैलियम इज लेस डेंसर.
लेस डेंसर देन लिक्विड, लिक्विड गैलियम। क्लियर है ऑल ऑफ यू? लाइक जैसे आपका आइस वाटर का कैरेक्टर होता है, जो आइस होती है वो लेस डेंसर होती है, दैट मींस आइस का डेंसिटी कम होती है इन कंपेयर टू लिक्विड वाटर। क्लियर है? दैट्स वाई जो वाटर में आइस फ्लोट करती है ऊपर। समझ में आया बेटा? हाँ ओके, नेक्स्ट इज अ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बोरॉन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ द इट्स कोवेलेंट कैरेक्टर्स। जो बोरॉन है वो कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। ओके, सो बिकॉज ऑफ इट्स कोवेलेंट कैरेक्टर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई ऑफ बोरॉन। ओके, बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू गैलियम देन इंक्रीजेस। बोरॉन टू गैलियम मेल्टिंग पॉइंट, बोरॉन टू गैलियम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ओके ओके, एंड देन इंक्रीजेस। इसके बाद गैलियम से हम तो लोग हेलियम तक चलते हैं, देन इंक्रीज होता है। क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? इन केस अगर आपको नहीं आइडिया, आप पुराना बुक खोल के देखो, नोटबुक खोल के देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने यही सब चीजें लिखाई। ओके, नेक्स्ट। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम्स। बोरॉन टू थैलियम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस रेगुलरली। ओके, क्लियर है बेटा? हाँ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पर लार्ज डिक्रीजेस बिटवीन बोरॉन टू एल्यूमिनियम्स। बोरॉन टू एल्यूमिनियम लार्ज डिक्रीजेस। ओके, बट ऑनवर्स डिक्रीजेस वेरी लिटिल बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट्स। इसके बाद एल्यूमिनियम से नीचे जाने पर वेरी लिटिल डिक्रीज, बहुत ही कम अमाउंट में चेंज आता है, दैट इज इन द आयनिक एनर्जी में। डिक्रीजेस दैट इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दैट इज फॉर गैलियम। गैलियम एंड इंडियम के लिए होगा, एंड नेक्स्ट फॉर थैलियम के लिए 3D एंड 4F, या वी कैन से D एंड F इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके लिए सिर्फ D इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड थैलियम के लिए डी इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शील्डिंग इफेक्ट्स। ओके, क्लियर है बेटा? ड्यू टू दैट शील्डिंग इफेक्ट थैलियम विच रिजल्ट्स इंक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस शील्डिंग इफेक्ट से शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, दैट्स वाई थैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम द बोरॉन टू एल्यूमिनियम डिक्रीजेस। ओके, बोरॉन टू एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ओके, एंड देन इसके बाद लिटिल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप जाने पर, एंड देन इंक्रीजेस। क्लियर ऑल ऑफ यू? इज देयर एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अभी, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूं। एंड द जो प्लस वन एंड प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। क्लियर है? प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट
प्लस थ्री, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है, दैट इट इंक्रीजेस, एंड प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीजेस. ओके, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है. ड्यू टू द एनी वन टेल मी, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट. ओके, दैट इज द रीजन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पेयर ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन ऑल ऑफ यू जानते हो आप लोग. ओके, एंड प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम इन द थैलियम दैट बिहेव सिमिलर लाइक एल्कली मेटल्स. ऑलरेडी मैंने बताया प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन थैलियम दैट इज बिहेव लाइक एल्कली मेटल्स. इसके लिए मैंने प्रॉपर्टीज भी लिखाई थी, याद है आप लोगों को. ओके, नाउ इसका एक और नेम होता है, दैट इज इसको हम बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस. प्लेटिपस, ओके. जो ये मेटल्स होती हैं, इस मेटल्स को जो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, वी कैन से सिर्फ इसी मेटल्स को हम लोग बोल सकते हैं. ओके, इसको हम इस नाम से भी आप देखते हैं, किसी एग्जाम में अगर कोई ऑप्शन में आया तो आपको ये चीज याद रखना है. क्लियर है? नाउ मैंने प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट बताया, प्लस थ्री, तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग फाइंड कर सकते हो. इन द प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट दे एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, जिसकी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो दे एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, बिकॉज ये रिड्यूस हो जाएंगे तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे. एंड प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले दे कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ये ऑक्सीडाइज होके प्लस थ्री में जाएंगे. क्लियर है? तो ये चीज आप लोग आइडिया लगा लोगे खुद से, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट, बोरोन नेवर फॉर्म बी थ्री आयंस. बोरोन्स जो होता है दैट इज बोरोन्स नेवर फॉर्म बी थ्री आयंस. एनीवन नोज द रीजन? Because ionization energy of I1 plus I2 plus I3 is very large. ये I1 I2 समझ में आ रहा? जब प्लस वन होगा, बी प्लस वन होगा, इसके लिए मैं आई वन डोनेट कर रहा हूँ, एंड बी प्लस टी के लिए, प्लस टू के लिए मैं आई वन डिनोट किया, एंड बी प्लस थ्री के लिए मैंने आई थ्री डिनोट किया. ओके, तो जो आयनाइजेशन, सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आई वन आई टू एंड आई थ्री इज वेरी लार्ज, सो वी ऑलवेज सोच द कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर्स. समझ में आया बेटा? हाँ सर. Covalent characters. Clear है all of you? Next हम लोग देख सकते हैं जो reactivity of group 3 elements. Reactivity तो मैंने लिखा है बेटा all of you. These elements do not react with air in cold condition. मैंने लिखा है. Boron burns in air. Boron को जब air में burn करते हैं तो क्या बनता है? That is B2O3. ओके, एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन, एंड
एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ एयर, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ एयर, एल्यूमिनियम एयर से रिएक्शन नहीं कर पाता बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसका फॉर्मेशन हो जाता है. ओके तो ये उससे रिएक्शन नहीं कर पाता. ओके व्हेन अगर इसको पाउडर फॉर्म में एल्यूमिनियम हम लोग रिएक्ट कराएं, दैट इज इसको पाउडर फॉर्म में एल्यूमिनियम जब हम रिएक्ट कराएंगे, दैट इज विच ओ टू दैट रिएक्ट, ये रिएक्शन कर जाएगा. ओके एंड दैट एक्सप्लोड बिकॉज रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड ओ टू इज हाईली एक्सोथर्मिक. एल्यूमिनियम एंड ओ टू के बीच जो रिएक्शन होगी दैट एक्सप्लोड बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. क्लियर है बेटा, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. ओके नाउ बोरोन एंड एल्यूमिनियम बर्नड इन एयर विथ बोथ ओ टू एंड एन टू. नाउ अगर मैं बोरोन एंड एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराऊं समहाउ, बोरोन एंड एल्यूमिनियम की रिएक्शन विथ ओ टू और एन टू दैट फॉर्म बी टू ओ थ्री और फॉर्म बी एन. सिमिलरली इसमें ए एल टू ओ थ्री फॉर्म होगा एंड इसमें ए एल एन फॉर्म होगा. क्लियर है ऑल ऑफ यू. नाउ सिमिलर हमने ऑलरेडी स्टडी किया, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप थ्री एलिमेंट्स. ऑलरेडी हमने कंपाउंड्स देखा, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप थ्री एलिमेंट्स दैट इज हाइड्राइड्स देखा, हाइड्राइड्स. ओके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, हैलाइड्स. ओके नॉर्मली ये हमने कंपाउंड्स देखे हैं. ओके सो इन हैलाइड्स सबसे पहले मैं इसको नंबर वन टू थ्री एंड फोर नंबर दे दिया. ओके इन नंबर्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दैट इज नंबर वन एक्सप्लेन करता हूँ हाइड्राइड्स के बारे में. बोरोन फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ हाइड्राइड्स दैट इज कॉल्ड बोरोइन. ओके लार्ज नंबर ऑफ हाइड्राइड्स फॉर्म होता है बोरोन से, that is called borane. And general formula of hydrides ka already discuss hua, that is BN HN plus 4 or BN HN plus 6. Okay, aluminium form only one hydride, that is called alane. Okay, aluminium ka only one hydrides hoga, that is called alane, that is Al2. Anybody tell me Al2H3 क्या होता है, बताओ मुझे. Al2H6 क्या, टेल मी बेटा एवरीवन. Al2H6, वेरी गुड. Al2H6, ओके तो इसका नाम हो गया. नाउ गैलियम एंड इंडियम्स के जो हाइड्राइड्स है वो अनस्टेबल होते हैं. गैलियम एंड इंडियम के हाइड्राइड्स अनस्टेबल होते हैं. ओके ये हम लोग देखें. एंड बोरॉन, बोरोन हाइड्राइड्स एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस हाइड्राइड लाइक कॉल एलआई एएलएच4 और NaBH4. ओके एंड दीज हाइड्राइड एक्ट एज अ डोनर, एच आयन डोनर. ओके जहां पे रिडक्शन के लिए काम आता है ये एच आयन डोनर होता है, किसी का रिडक्शन कराना है तो ये दीज हाइड्राइड्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट की तरह से बिहेव करते हैं. ओके ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने अच्छे से देखा होगा इनको. ओके नाउ अब वी विल डिस्कस दैट इज ऑक्साइड्स. ऑक्साइड के बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज ऑक्साइड. ओके दे दीज एलिमेंट्स फॉर्म M2O3 टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, दैट इज M2O3. ऑल ऑफ यू नो द M2O3, M इज अ मेटल एंड O इज अ ऑक्सीजन. M2O3 टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बट TL दैट इज थेलियम फॉर्म मोस्ट स्टेबल मोनो ऑक्साइड, जो डाउन द ग्रुप जाने पर प्लस
वन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर Tl2O3 इस Tl2O दैट इज इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन हो जाती है. क्लियर ऑल ऑफ यू? ये तो आप लोग समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ओके, नाउ Tl2O3 इज बेसिक कैरेक्टर्स होता है एंड Tl2O3 ऑन हीटिंग कन्वर्ट टू Tl2O3 में, जो Tl2O3 इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है एंड दिस इज इन नेचर बेसिक इन नेचर. ओके, एंड जब इसको हीट करते हैं दैट कन्वर्ट टू Tl2O, इसमें कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नाउ दिस ऑक्साइड कंप्लीट हो गया. नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज हाइड्रोक्साइड. द हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड व्हेन देयर ऑक्साइड आर रिएक्ट विद वाटर. दैट मींस व्हेन देयर ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड. ओके, एंड द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप जाने पर. ओके, डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्राइड एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेज एंड बेसिक कैरेक्टर एनीबडी नो कि मैं ये किसकी बात कर रहा हूं? कोई बताओ मुझे. अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं इसको दोबारा से. आर्य, आदित्य, अमन, अथर्व, एक्सप्लेन मी कि मैं एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर किसकी बात कर रहा हूँ? हाइड्रोक्सी एलिमेंट्स की. ओके, ये हाइड्रोक्साइड की. वेरी गुड. नाउ BOH का होल क्लोराइड इज ऑलरेडी मैंने देखा BOH का होल क्लोराइड और वी कैन से HBO3 इज अ वीक एसिड. ओके, नाउ हैलाइड्स की बात करें. ग्रुप 3 एलिमेंट्स वीक एसिड्स. ओके, नाउ ग्रुप 3 एलिमेंट्स फॉर्म 3 टाइप ऑफ हैलाइड्स. 3 टाइप ऑफ हैलाइड्स, मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड्स एंड ट्राई हैलाइड्स डिस्कस किया मैंने. ओके, ट्राई हैलाइड्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके सिलेबस में है. मोनो हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स एंड ट्राई हैलाइड्स. ओके, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की बात कर रहे हैं, हैलाइड्स की बात कर रहे हैं. ओके, दे फॉर्म मोनो हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स एंड ट्राई हैलाइड्स. ओके, ट्राई हैलाइड्स आपके सिलेबस में है, ये इंपॉर्टेंट है. मोनो एंड डाई आपके सिलेबस में नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए यू कैन, आप लोग पढ़ सकते. मैंने डिस्कस किया क्लास में, ऑल ऑफ यू नो द कि डिस्कस किया मैंने मोनो हैलाइड्स क्या होते हैं, डाई हैलाइड्स क्या होते हैं, ट्राई हैलाइड्स क्या होते हैं. मैंने क्लास में इन डिटेल्स में डिस्कस किया, आप लोग नोट्स में जाओ देख लेना वहां पे. ऑल द ग्रुप 3 एलिमेंट्स फॉर्म ट्राई हैलाइड्स. ओके, ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मूला होता है दैट इज MX3 टाइप का फॉर्मूला होता है. एक्स हेयर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके, नाउ TlCl3 एंड TlBr3 आर अनस्टेबल एंड टेंड्स टू लूज हेलोजन फ्रॉम मोनो हैलाइड्स, जो TlCl3 होते हैं एंड TlBr3 होते हैं अनस्टेबल. Anybody tell me the reason? These halides are unstable and tends to lose halogen. Yo, plus 3 oxidation state unstable होती है ना thallium की. Very good. Tends to lose halides. Okay. तो यहाँ पर TlCl और TlBr फॉर्म करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. ओके, एंड दीज आर कॉल्ड मोनो हैलाइड्स. ओके, नाउ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट हैलाइड्स गिवन एलिमेंट्स, अगर डिफरेंट डिफरेंट हैलाइड्स हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट हैलाइड्स
डिफरेंट हैलाइड्स फॉर गिवन एलिमेंट्स. किसी एक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, सपोज मैं बोरोन की बात कर सकता हूं, एल्यूमिनियम की बात कर सकता हूं, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम. किसी एक एलिमेंट्स की बात करूं, गिवन एलिमेंट्स के हैलाइड्स अगर फॉर्म करें, देन उसकी स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीज और इंक्रीज होती है, क्या नेचर होगा स्टेबिलिटी का. दैट इज फ्लोराइड्स मोर स्टेबल देन क्लोराइड्स देन ब्रोमाइड्स देन आयोडाइड्स. ये समझ में आया, ये आयोडाइड है, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है. मैंने यहाँ पर CLBRI लिखा है. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके. नाउ इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी और प्रॉपर्टीज डिस्कस की. BF3 में BF4 क्यों फॉर्म नहीं होता, ALH4 क्यों फॉर्म होता है, समझ में आया. TL का आयनिक कैरेक्टर्स स्टडी किया, ब्रोमाइड्स स्टडी किया. ओके. रिलेटिव स्ट्रेंथ डिस्कस की कि और BCl3 BBr3 में PPi बैक बॉन्डिंग डिस्कस किया. ओके. एंड Al2Cl3 B2H6 डिस्कस किया. ओके. एंड आफ्टर दैट ऑलरेडी डिस्कस दैट इज बिहेवियर ऑफ बोरोन. बोरोन का बिहेवियर भी डिस्कस किया हमने. दैट इज बिहेवियर ऑफ बोरोन. बोरोन का बिहेवियर ऑफ बोरोन का बिहेवियर डिस्कस किया. दैट इज सिमिलरिटी बिटवीन बोरोन एंड एल्यूमिनियम. सिमिलरिटी डिस्कस किया एंड डिसिमिलरिटी डिस्कस किया. डायगोनल रिलेशनशिप विद बोरोन एंड सिलिकॉन्स. बोरोन एंड सिलिकॉन्स के साथ डायगोनल रिलेशनशिप डिस्कस किया. एंड लास्टली बोरोन्स के एलिमेंट डिस्कस किया. इन द बोरोन्स एलिमेंट्स, ये बेटा जो सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी से आपको एक बार थ्योरेटिकल है पढ़ लेना, बहुत ही कभी कभी पूछा जाता है. एक तो पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, बट इनकेस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. इनकेस अगर पूछा जाएगा तो आपका काम है कि उसको याद रखें. अगर आप याद नहीं रखोगे देन यू विल सफर इन योर एग्जाम, आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में. ओके. सो बोरोन एलिमेंट्स में वी हैव डिस्कस बोरेक्स ऑन ट्रीटिंग विद HCl और H2SO4 गिव बोरिक एसिड. जो बोरेक्स होता है, बोरेक्स ऑन ट्रीटिंग विथ HCl और H2SO4 गिव्स बोरिक एसिड्स विच हीटिंग. हम जो हीट करने से B2O3 मिलता है. बोरेक्स को हीट किया HCl और H2SO4 से, दैट गिव अस बोरिक एसिड. एंड इसको हीट करने पर That give us B2O3. Clear है? Clear? Now, इसके बाद हम लोग बोरिक एसिड डिस्कस किया. बोरिक एसिड्स, बोरोन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स. बोरोन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड एंड ऑर्थो एसिड, मेटाबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड्स. ओके. ऑर्थोबोरिक एसिड्स हम लोग के सिलेबस में है, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके. ऑर्थोबोरिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, द रिएक्शंस ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड. ऑर्थोबोरिक एसिड्स Na2B4O7 प्लस H2SO4 प्लस H2O दैट गिव अस, क्या देगा बेटा, एनिमल टेल मी. Na2SO4 स्क्रीन वही स्टैगर्ड है. यस बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही सर. हाँ, स्क्रीन मूव नहीं हो रही है. स्क्रीन मूव नहीं हो रही है मतलब आप जो लिख रहे हो नहीं दिख रहा है. ओके. पिछला वाला पेज दिख रहा है. ओके ओके ओके, मैं देख रहा हूँ अभी. हाँ सर, अभी दिख रहा है. इसमें मैंने लिखा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. बोरोन एंड एल्यूमिनियम की मैंने सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी आपको बुक से पढ़ना है और आप मेरा नोट्स देख सकते हो जो मैंने दिखाया. ओके. एंड दिस इज
डायगोनल रिलेशनशिप। ओके बिटवीन बोरोन एंड इलिम। ओके नेक्स्ट इज द कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। बोरोन के कंपाउंड्स क्या हैं? बोरेक्स। बोरेक्स का जब HCl और H2SO4 से रिएक्शन करते हैं, इसके साथ ट्रीट करते हैं, दैट गिव अस बोरिक एसिड। ओके एंड बोरिक एसिड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो इसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स माइनस हो जाएगा एंड दैट गिव अस B2O3। क्लियर। एंड B2O3 के कुछ रिएक्शंस हैं वो आपको लोग डिस्कस करना। B2O3 ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड रिड्यूस टू गेट बोरॉन्स विथ सोडियम। अगर इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे विथ बोरॉन सॉरी विथ सोडियम और पोटेशियम और एनी अदर्स एल्कली मेटल्स दैट इज Mg से रिड्यूस कर देंगे दैट गिव अस बोरॉन। ये हमको बोरॉन मिल जाएगा। क्लियर है? आप नोट्स देखना है, इसको रिवाइज करना, अगर अदरवाइज आप लोग भूल सकते हैं इसको सारी चीजें, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती ही है रटने के लिए। बस मोस्टली चीजें ये होती हैं, हमको उसमें एक पैटर्न देखना पड़ता है कि किस तरीके से हमको याद करना, किस तरीके से हमको पढ़ना। क्लियर एवरीवन? यस सर। नाउ बोरिक एसिड यहाँ से फॉर्म होता है एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट होगी। ओके सपोज बोरिक एसिड आपका ये गिविन है H3BO3। ओके नाउ दिस इज बोरिक एसिड। क्लियर। नाउ इसके साथ जो रिएक्शंस होगी दैट इज नंबर वन में इसको 100°C पे अगर हीट करते हैं दैट गिव्स अस HBO2। ओके इन केस अगर इसको 160° में हीट करेंगे दैट इज डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं, और जितने भी यहाँ पर टेम्परेचर लिखूँ मैं सेल्सियस की बात कर रहा हूँ। ओके दैट गिव अस H2B4O7। ओके व्हेन इसको रेड हॉट इसको और भी हीट करें दैट गिव अस B2O3। ओके इसको अगर डायरेक्टली हम रेड हॉट हीट कर देंगे तो डायरेक्टली B2O3 मिल सकता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर है? नाउ अगर B2O3 को हम लोग और आगे बढ़े दैट इज कार्बन प्लस हेलोजन के साथ रिएक्शन करा दें दैट गिव अस BX3। ओके नाउ इसको अगर मैं डायरेक्टली H2O से रिएक्शन करा दूं, यस डायरेक्टली मैंने H2O से रिएक्शन करा दिया H2O से रिएक्शन दैट गिव्स अस H2S3BO3। अगर हेलोजन की जो बोरॉन हेलाइड्स है इसकी रिएक्शन मैंने H2O से करा दी वाटर से रिएक्शन कर दैट गिव्स अस BH3BO3। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके नाउ अगर मैंने इसको रिड्यूस किया, अभी मैंने लिखा B2O3 को मैं रिड्यूस करूंगा दैट इज किसके साथ सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम के साथ रिड्यूस करूंगा और Fe के साथ बोल सकता हूं, तो ये क्या के देगा हमको? बोरॉन। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इफ द रिएक्शंस फॉलो लाइक दिस RCOCl इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा दैट गिव अस R3CO3। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एसिल बोरेट्स। ओके क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ सिमिलर काइंड ऑफ अगर मैं इसकी रिएक्शंस कराऊं RCO2SO दैट गिव अस B2O एंड RCOO4।
क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ व्हेन H3BO3 का डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड के साथ फ्यूजन कर देते हैं, H3BO3 डायरेक्टली फ्यूजन विथ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड के साथ फ्यूजन करेंगे, दैट गिव अस बोरेट्स. क्लियर एवरीवन? इज देयर एनीवन, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, डायरेक्टली हम उसको अभी डाउट क्लियर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. जब सिस डाइऑल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, दैट गिव अस एसिडिक चिलेट कॉम्प्लेक्स. ये मैंने रिएक्शंस लिखा है बेटा, ऑल ऑफ यू आप रिएक्शन देखना. ओके, ऑलरेडी रिएक्शंस है आपकी कॉपी में, उसको आप लोग फॉलो करना. व्हेन H3BO3 रिएक्टेड विद NH4HF2, इसके साथ अगर हम फ्यूजन करेंगे, दैट गिव अस NH4VF4. ओके, एंड व्हेन हीटेड विथ B2O3, दैट गिव अस VF3. क्लियर एवरीवन? इज देयर एनीवन, किसी को कोई डाउट है अभी तक? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स? ओके, नाउ व्हेन रिएक्टेड विथ H2O2, एंड Na2O2. ओके, हाइड्रोजन परोक्साइड और सोडियम परोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, दैट गिव अस बोरेट परोक्सो हाइड्रेट्स एंड परोक्सो बोरेट्स. हाइड्रेट्स एंड परोक्सो बोरेट्स. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ इसमें एक पॉइंट और है, दैट इज HBO2 को व्हेन वी हीट विथ NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, HBO2 को, दैट गिव अस NaBO2. ओके, NaBO2 मिलेगा. एंड अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल Na2V4O7 है, जो हम लोग स्टार्टिंग में रिएक्शंस लिखा था इन द लास्ट फेज. ओके, इसके साथ अगर मैं रिएक्शंस कर दूं, किसकी रिएक्शंस? HCl और H2SO4. मैंने H2SO4 लिखा तो H2SO4 और वी कैन से HCl का रिएक्शन भी हो जाएगा. ओके, तो दैट B2O3. ओके, इसका अभी लास्ट फेज में लिखा मैंने बेटा, दैट इज दैट रिएक्शंस, जो मैंने ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शंस, दैट गिव अस H3BO3 मिलेगा ना. ये H2SO4 की बात कर रहा हूं, एंड दिस कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं. क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डाउट्स? मैंने ये रिएक्शंस लिखा विद H2SO4, दैट गिव अस H3BO3 मिलेगा हमको. क्लियर है? एंड अगर H3BO3 को, इसको मैं हीट कर दूं, दैट इज इस कंपाउंड को मैंने हीट कर दिया, दैट गिव अस NaBO2. क्लियर है बेटा? तो एक नेटवर्क है पूरा H3BO3 से, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इन योर केमिस्ट्री. बोरोन एलिमेंट्स में एक ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज H3BO3. तो इस कंपाउंड का सारा नेटवर्क आपको याद करना. ये जितना मैंने रिएक्शंस आज लिखाई है, अभी लिखाई है, ये तो आप याद ही कर लो ये नेटवर्क. क्लियर है बेटा? हाँ सर. ओके, नाउ इसके बाद हमने बोरेक्स देखा, बोरेक्स को स्टडी किया,
बोरोन हैलाइड्स को स्टडी किया, बोरोन हाइड्राइड्स को स्टडी किया, ओके हम लोग उसके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। नाउ हम लोग डिटेल्स में जाएंगे कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। ओके दैट इज एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके नाउ एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड्स में एल्यूमिनियम में देखा ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एनीबडी टेल मी द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओके नाउ ओर ऑफ एल्यूमिनियम नंबर वन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, नंबर वन बॉक्साइड्स, द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइड Al2O3 डॉट 2H2O। ओके सेकेंड है क्रायोलाइट, दैट इज फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट Na3 AlF6। ओके नेक्स्ट इज फेल्सफार, द फॉर्मूला ऑफ फेल्सफार KAlSi3O8। ओके नेक्स्ट है काइलिनाइट्स, ओके इसका फॉर्मूला दैट इज Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O। क्लियर। नेक्स्ट इज माइका, द फॉर्मूला एनीबडी नोज द फॉर्मूला ऑफ माइका K2O। माइका तो नाम सुना होगा ना आपने बेटा, द फॉर्मूला ऑफ माइका ये है, आप लोग याद रख लो नेक्स्ट टाइम से, 3Al2O3 डॉट 6SiO3 सॉरी SiO2 डॉट 2H2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माइका। ओके नेक्स्ट इज कोरंडम, एनीबडी नो द कोरंडम, कोरंडम द फॉर्मूला ऑफ कोरंडम Al2O3। ओके एंड नेक्स्ट इज डायस्पोरा, डायस्पोर द फॉर्मूला ऑफ डायस्पोर Al2O3 डॉट H2O। ओके एंड द लास्टली दैट इज एलुमना, इसको बोलते हैं एलनाइट, Al-UNITE और इसको एलमस्टोन भी बोलते हैं। ओके एंड द फॉर्मूला इज लाइक दैट K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 4 AlOH का होल थ्राइस। क्लियर है। ये आपके ओर्स हैं, इसमें इम्पोर्टेंट वन है दैट इज जो आपके सिलेबस में है, और इम्पोर्टेंट वन है दैट इज इसमें बॉक्साइड, क्रायोलाइट्स, ओके माइका, कोरंडम एंड ये आपके इम्पोर्टेंट्स हैं। ओके नाउ अगर इंटरव्यू हुआ कभी एग्जामिनर पूछेगा तो ये भी आपको इंटरव्यू पूछ सकता है। ओके क्लियर है। बट जो मैंने 4 टिक लगाए वो आपके इम्पोर्टेंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स, इसका एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं हम लोग, दैट इज ओके एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोक्साइड। ऑब्टेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड को क्या बोलते हैं डायरेक्टली
एल्यूमिना बोलते हैं. ओके, डिजोल्व इन फ्यूज्ड क्रायोलाइट्स. ओके, नाउ ये तो स्टेप हो गया. नाउ इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, दैट इज इसको ओर को प्यूरिफाई कैसे करते हैं. ओके, नॉर्मली जो प्रोसेस होती है, आप लोग देखो यहाँ पर नंबर वन स्टेप, इसको बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं. ओके, इन दिस प्रोसेस दैट इंक्लूडेड बॉक्साइट्स, जो नॉर्मली क्या पाउडर्ड होता है. ओके, पाउडर्ड फॉर्म में लेना हमको. ओके, दैट रिएक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ FeO प्लस Fe2O3. ओके, दैट इज जो होता है रोस्टेड ओर हो जाता है, इसको रोस्ट हो जाता है, दैट मीन्स थोड़ा सा हीट करने से इसको रेड, इसको आप नहीं लिखो, दैट इज रोस्टेड ओर, ROAST. ओके, एंड फर्दर इसका क्या करेंगे, कास्टिडिफिकेशन करेंगे. जो कास्टिक सोडा होगा, दैट इज सोडियम सोल्यूशन, कास्टिक सोडा का सोल्यूशन होगा, उसके साथ रिएक्शन करेंगे. दैट इज मैं आपको रिएक्शंस लिखा हूं, मैं इसको रिएक्शंस में कंप्लीट कर रहा हूं. ओके, पूरा प्रोसेस नहीं लिखना है, बहुत ही लंबा हो जाएगा. प्लस कास्टिक सोडा सॉल्यूशंस के साथ एट हाई प्रेशर नियर अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस और 80 ATM. ओके, इसके बाद फिल्टर्ड करेंगे Fe2O3 जो इसके रेसिड्यू है, इन टर्म्स ऑफ रेसिड्यू उसको फिल्टर्ड कर लेंगे. फिल्टर्ड Fe2O3 as residue. Okay. Now यहाँ पर further क्या बनेगा? That is that forms. इसको green color से लिखता हूँ. That filtered sodium aluminates. Okay. Now sodium aluminates filtered हो जाएगा. इसको directly reactions कराएंगे with CO2 के साथ रिएक्शंस कराएंगे एंड देन फिल्टर्ड कर लेंगे. ओके, एंड देन फिल्टर्ड कर देंगे तो दैट फॉर्म्स प्योर Al2O3, प्योर Al2O3 मिल जाएगा. एंड प्योर Al2O3 को हम लोग हीट कर देंगे, That's give us AlOH का whole thrice. Clear all of you? Now AlOH का whole thrice से हम इसको aluminium कैसे निकालेंगे वो हम लोग last में देखेंगे. Okay? Now AlOH का whole thrice तक हम इसको लाके रख देते हैं, and AlOH का whole thrice से aluminium कैसे find करना वो हम last के process में देखेंगे. Okay? This is the first step. Now second step होता है like ऐसे ही Hall's process होता है, इसके बाद Serpak process होता है, इसके बाद Hall's and Herold process होता है. ये 4 type of process होते हैं, इसको मैं आपको लिखा रहा हूँ. Important नहीं है उतना, क्योंकि किसी book में आपको NCERT में भी नहीं मिलेगा, but आपको exam में questions पूछा गया, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ. Okay? And second process is that is Hall's process.
ओके नाउ हॉल्स प्रोसेस इज आई थिंक हम लोगों को टाइम कम पड़ जाएगा टू कंप्लीट द टॉपिक फॉर टुडे. तो इसके बाद देखो बेटा क्या क्या अगर इन केस टाइम कम पड़ जाता है मैं कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ देन आपको क्या क्या पढ़ना है. ओके मैं आपको सीट भेज दूंगा. ऑल ऑफ यू एवरीवन वन सेकंड मुझे टेल आप लोग बताओ कि जो आपके पास सीट गिवन है जो सीट है सेंटर से जाके आप लोगों ने सीट ली है क्या जो बुकलेट्स वगैरह मिलती है सभी लोगों के पास. हाँ सर सबके पास है. वेरी गुड. तो उस बुकलेट्स में एक सेकंड रुको मेरे पास मैं देखता हूँ बुकलेट्स में क्या क्या चीज है. ओके उस बुकलेट्स में क्या क्या होगा. कंपाउंड्स ऑफ बोरोन है जो कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम है बेटा कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम है जो बुकलेट्स में नहीं है वो मैं बता दूंगा. एंड बुकलेट्स में क्या क्या है Al2O3 देखना है बेटा Al2O3 उसकी प्रोसेस दी है एंड उसकी प्रॉपर्टीज Al2Cl6 ये गिवन है इसको आप लोग देख लेना. ओके एंड इसके बाद तो इसके बाद AlOH का होल थ्राइज ये आपको बुक से देख लेना है. थोड़ा सा एक पेज का टॉपिक है आपको बुकलेट से देखना है एंड उसके बाद दैट इज AlOH का होल थ्राइज AlOH का होल थ्राइज ये मैं आपको बताऊंगा. ओके इसको हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज वो देखेंगे. ओके एंड हम लोग पोटास एलम देखेंगे जो पोटास एलम होता है ना K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इनटू 24H2O इसको हम लोग देखेंगे. ओके एंड बाकी आपको ये दोनों चीजें आपको बुक से पढ़ लेना है सॉरी बुकलेट से आपको देख लेना है. क्लियर है. इनकेस अगर नहीं समझ में आता है मुझे बताना मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके नाउ अभी हॉल्स प्रोसेस में देखना आपको दैट इज इन दिस प्रोसेस यहां पर बॉक्साइड होगा जो फाइनली पाउडर्स रेड होगा दैट रिएक्टेड विथ Na2CO3 फ्यूज्ड एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर. ओके रेसिड्यू होगा Fe2O3 का उसको आपको अलग कर लेना है. ओके एंड दैट फाइनली जो सॉल्यूशन मिलता है दैट सॉल्यूशन पास थ्रू CO2 एट 50 to 60 degrees Celsius एंड फिल्टर्ड Na2CO3 इसको फिल्टर्ड कर लेंगे. ओके and that give us okay इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं. हाँ ये यही वाला एरो है इसको मैं इसी एरो को नीचे लाता हूँ that give us AlOH का whole thrice precipitated मिलेगा. ओके एंड इसको हम लोग हीट कर लेंगे that give us pure Al2O3. अगर इसका यूज हुआ तो हम इसके बना सकते हैं इसका यूज हुआ तो हम लोग इससे बना सकते हैं. क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू. दिस रेड बॉक्स दैट इज फाइनली पाउडर्ड फॉर्म ऑफ. क्लियर है बेटा एवरीवन. नाउ द थर्ड प्रोसेस इज Serpex process. Okay. Now इसमें bauxite होगा that is bauxite similar वही condition. Okay. And that
कोक प्लस एन टू प्लस हीटेड टू एटीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस. ओके एंड दैट गिव अस जो सिलिकियर ड्यूसिटो, दैट इज काफी बड़ा नाम है, इसको प्रोनाउंस करने में ही प्रॉब्लम हो रहा है इसका. दैट इज एस आई एल आई सी ए आर ई डी यू सी ई डी टी ओ. ओके ओके नाउ टू एस आई जो सिलिकियर रेसिड्यू है इसको हम लोग क्या करेंगे, एस आई विच नो वन सेकेंड इसमें क्या होगा, जो सिलिका रेसिड्यू होगा इस वो नेक्स्ट प्रोसेस का है. दैट इज सिलिका रेसिड्यू होगा सिलिका रेसिड्यू टू एस आई विच वोलाटाइल्स, जो ऐसा ही होगा वो जो वोलाटाइल्स कंडीशन का होगा. दैट इज ये कंडीशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सिलिका रेसिड्यू यहाँ पर फॉर्म होगा. ओके ये आप इतना लिख लो, सिलिका रेसिड्यू फॉर्म होगा प्लस एल्यूमिना फ्रॉम एल्यूमिनियम नाइट्राइड्स. एल्यूमिनियम नाइट्राइड्स इससे AlN से एल्यूमिना फॉर्म हो जाएगा एंड सिलिका रेसिड्यू फॉर्म हो जाएगा फ्रॉम Si. ओके क्लियर है. एंड दैट इसका क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करेंगे. हाइड्रोलिसिस करने से हमको क्या मिलेगा, प्योर Al2O3 एंड इसका हीट कर देंगे हम, दैट गिव अस AlOH का होल ड्राइव. ओके सो दीज आर द थ्री प्रोसेस. ओके नाउ जो हॉल्स एंड हेराल्ड प्रोसेस है इट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए यूज होता है एंड एल्यूमिनियम इज रिफाइंड बाय होप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. उसको हम लोग नहीं देखेंगे बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है. ओके नाउ कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम में Al2O3 को आपको खुद से देखना है. क्लियर एवरीवन, देख लोगे Al2O3 को एंड AlOH का होल थ्राइस हम लोग डिस्कस करेंगे इन कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम. क्लियर है AlOH का होल थ्राइस. That is AlOH का होल थ्राइज प्रिपरेशन में देखो इसका इन प्रिपरेशन पार्ट्स AlCl3 व्हेन रिएक्टेड विथ NH4OH दैट गिव अस AlOH का होल थ्राइज. ओके ये AlOH का होल थ्राइस हमको मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, एनीबॉडी टेल मी, NH4Cl. नाउ इसको बैलेंस करेंगे तो दैट इज यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा एंड डायरेक्शन बैलेंस हो गई. क्लियर है. इट प्रिपेयर्ड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस विद द एल्यूमिनियम सॉल्ट सॉल्यूशंस. ओके तो एल्यूमिनियम सॉल्ट सॉल्यूशन होगा that is
AlCl3 के साथ जब रिएक्शंस करेंगे NH4OH का, दैट गिव अस AlOH का होल थ्राइस एंड NH4Cl. क्लियर है बेटा? नाउ इसका प्रॉपर्टीज में देखेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज AlOH का होल थ्राइस व्हेन रिएक्टेड विद HCl दैट गिव अस AlCl3 एंड H2O. सिमिलर AlOH का होल थ्राइस व्हेन रिएक्टेड विद HCl दैट गिव अस AlCl3 प्लस 3H2. क्लियर है? सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस व्हेन दिस रिएक्टेड विद NaOH that give us 3 Na3 AlO3 plus H2O that is 3H2. यहाँ पर 3 Na3 that is 6. 3 Na3 नहीं होगा, आप यहाँ पर इस तरीके से करोगे एंड इसको रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना. ऑल ऑफ यू कंपाउंड ये बनेगा बट रिएक्शंस को आप बैलेंस कर लेना. ओके, इन केस अगर बैलेंस में कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा तो. क्लियर है? नाउ AlOH का होल थ्राइस व्हेन रिएक्टेड विद एल्यूमिनियम, अगर फिर से एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शंस होगा इसका, दैट इज दिस इज एक्सेस NaOH. जब आप कम NaOH के साथ रिएक्शन करोगे दैट गिव अस NaAlO2 प्लस H2O. क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? हाँ. नाउ वेरी गुड. स्ट्रक्चर, इट इज एज अ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इट हैज लेयर स्ट्रक्चर सच दैट एल्यूमिनियम एटम्स इज एसोसिएटेड विद 6OH ग्रुप. जो स्ट्रक्चर होगा, दैट इज मैं इसकी बात कर रहा हूँ एल्यूमिनेट्स की, इसको हम इस तरीके से बोल सकते, इट डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड. It dissolve in sodium hydroxide to form hydroxy aluminium aluminate ion. Okay, now जो मैंने ऊपर reactions लिखा उसी reactions को मैं यहाँ पर mechanism type में explain करता हूँ. That is, देखना, Al OH का होल थ्राइस प्लस OH नेगेटिव, इस रिएक्शंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, दैट गिव अस AlOH का होल 4 दैट इज माइनस. यहाँ पर अगर Na होता, इन केस यहाँ पर Na होगा तो यहाँ पर भी Na आ जाएगा एंड यहाँ से एक H2O निकल जाएगा बाहर, तो ये सिमिलर कंपाउंड ये बन जाएगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ. नाउ सिमिलर, अगर मैं देखूं यहाँ पे सिमिलर कंपाउंड दैट इज प्लस 3OH नेगेटिव, दैट मींस अभी मैं बात कर रहा हूँ इस रिएक्शन. ओके, दैट गिव अस AlOH का होल थ्राइस होल 6 दैट इज नेगेटिव. सिमिलर कंडीशन यहाँ, इन केस अगर यहाँ पर Na होता तो यहाँ पर भी Na आ जाता एंड यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता, तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाता. क्लियर है ऑल ऑफ यू? वेरी गुड. नाउ इसका स्ट्रक्चर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ एंड इसकी बात कर रहा हूँ, जो है इट हैज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट इज हैज लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म एंड ईच एल्यूमिनियम एटम्स, जो ईच एल्यूमिनियम एटम एसोसिएटेड विद द 6OH ग्रुप और 4OH ग्रुप. जो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर जो एल्यूमिनियम एटम्स है, जो लेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये एक एल्यूमिनियम एटम्स अटैच विद 4OH ग्रुप और अटैच विद 6OH ग्रुप. क्लियर है? हाँ.
नाउ AlOH का होल थ्राइस ओवर हो चुका है. ओके नाउ एल्यूमिनियम क्लोराइड्स की बात करें हम लोग, AlCl3 AlCl3. नाउ प्रिपरेशन ऑफ AlCl3 preparation of AlCl3 that is when aluminium react with HCl that give us AlCl3 plus H2 gas. इसको balance करो, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा. Clear है? हाँ. Very good. Now other process are also like that. AlOH Al2O3 already we have discussed. ये process तो मैंने discuss किया. That give us plus 3H2O. यहाँ पर 3 लगाऊंगा. That is 6 लगाना पड़ेगा. 2, 6 और 2. Clear है? Now similar kind of process are like that. Al OH का whole thrice plus 3HCl. Okay, that is AlCl3 plus 3H2. Clear है? Very good. Now, इसमें देखा, on crystallization, hydrated crystal AlCl3.6H2O are obtained. The anhydrous aluminium chloride cannot be prepared by the heating of hydrated crystal. Okay. जो मैंने बोला on crystallization hydrated crystal, एक और process है, that is इसकी बात कर रहा हूँ, that is in case of AlCl3.6H2O. Okay. इसमें बोला on क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्रिस्टल, इस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्रिस्टल इसको अगर हीट करते हैं तो दैट ऑब्टेन कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय हीटिंग. ये हीटिंग से हमको AlCl3 नहीं मिलता कि यहाँ पे हीट कर दें ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा एंड ये हमको प्रोसेस मिल जाएगा. ये ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता? देखो अभी मैं बताता हूँ. ऑन हीटिंग इसको क्या होता है, दैट फॉर्म AlCl3 फॉर्म होता है प्लस 3H2O फॉर्म होता है प्लस 6H2 यहाँ पर निकल जाएगा. ओके जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग ले लेंगे. ओके नाउ सिमिलर इसी के अंदर में प्रोसेस है बेटा, इसी का ही सेकंड पार्ट है, दैट इज 2AlCl3.3H2O, दैट इज ये वाला पार्ट. ओके इसको हीट करूंगा. ओके देन दिस डिकम्पोज एज अ AlOH का होल थ्राइस प्लस 6HCl ये मिलेगा. एंड आफ्टर दैट इसकी रिएक्शंस करेंगे दैट गिव अस Al2O3 प्लस 3H2O. इसको हीट करने से ये मिलता है. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट कि क्रिस्टलाइजेशन जो एल्यूमिनियम क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्रिस्टल है, इसको हीट करने से डायरेक्टली AlCl3 नहीं मिलता है. समझ में आया? डायरेक्टली हमको क्या मिलता है? Al2O3 मिलता है. क्लियर है? हाँ. एनहाइड्राइज्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ हीटिंग एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन. जो एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस मतलब दैट मीन जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? वो डायरेक्टली रिएक्शन विद एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन की रिएक्शंस कर देते हैं डायरेक्टली. दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, दैट इज AlCl3. तो यहाँ पर 2Cl3Cl लगा दिया, 2 यहाँ पर, दैट इज 2. क्लियर है? और वी कैन ऑल्सो से दैट कि इसमें HCl से रिएक्शन कराने से भी AlCl3 मिल जाता है, दैट इज H2 गैस यहाँ पर निकल जाएगी. क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड. नाउ इट ऑल्सो कैन बी प्रिपेयर्ड बाई द मेथड ऑफ McPhee. McPhee एक मेथड होता है, उसमें क्या होता है, McPhee मेथड
McAfee method होता है, उसमें क्या होगा तो बेटा, that is alumina, that is Al2O3 and coke in pass with chlorine, जो dry current of dry chlorine gas, okay? That is इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, Al2O3 pass with coke carbon with current of dry chlorine means यहाँ पे chlorine gas होगा, इससे पास करते हैं तब जाके हमारा AlCl3 मिलता है एंड यहाँ पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है. क्लियर है? सिमिलर काइंड ऑफ इसमें अनदर प्रोसेस, उसने एक प्रोसेस और दिया, दैट इज व्हेन एल्यूमिना Al2O3 पास विद H2Cl6 अभी दिख रहा है बेटा पेज? नहीं सर. अभी दिख रहा है ऑल ऑफ यू? हाँ. जो McAfee प्रोसेस होता है, McAfee प्रोसेस में एल्यूमिना दैट इज Al2O3 इसका कार्बन कोक, एल्यूमिना एंड कार्बन कोक का मिक्सचर पास विथ क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन गैस, जो क्लोरीन गैस उसमें इन दोनों के मिक्सचर में ड्राई क्लोरीन गैस पास करते हैं तो Al2Cl3 एंड CO मिलता है हमको. ओके, दैट इज अगर इसको बैलेंस करेंगे 3 यहाँ पर आएगा एंड 3 यहाँ पर आएगा एंड दैट इज दिस इज 2. ओके, सिमिलर उसने एक कॉन्सेप्ट और दिया, दैट इज H2Cl3 प्लस 9Cl2 दैट गिव अस 8AlCl3 प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा 6SO2. ये McAfee ने ही दोनों प्रोसेस दिया. समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? ये इसकी प्रोसेस हो गई. नाउ इसकी प्रॉपर्टीज देखो, तो इसका बनाने का प्रोसेस देखा हमने. नाउ इसकी प्रॉपर्टीज देखो ऑल ऑफ यू, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ Al2Cl3, वी कैन से सॉरी Al2Cl6 बोल सकते हैं और AlCl3. नंबर वन, AlCl3 की वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो AlOH का होल ट्राइज मिलेगा. ओके, क्लियर है? नाउ ऑन हीटिंग इट्स जो सब्लिमेशन रिएक्शन होता है एट 180 डिग्री सी, इसमें व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फर्स्ट चेंज टू हाइड्रेटेड. नाउ इसको अगर मैं बोलूं इसका डाइमर फॉर्म, दैट इज एक्सेस ऑफ वाटर दैट गिव अस AlCl3.6H2O. ओके, एंड व्हेन AlCl3, ये मैंने रिएक्शंस लिखाया, अगर वाटर कम अमाउंट में है दैट मींस रिएक्शंस ये वाली फॉलो होगी, अपर रिएक्शंस. ओके, ये वाली रिएक्शन, अगर वाटर ज्यादा अमाउंट में है तो ये वाली रिएक्शंस फॉलो होगी. क्लियर है? नाउ विथ नेक्स्ट रिएक्शन है विथ एमोनियम AlCl3 विथ एमोनियम हाइड्रोक्साइड That give us AlOH का whole thrice plus NH4Cl. Clear है? Now similar kind of the reactions with NaOH. NaOH के reactions करेंगे. That give us NaAlO2 plus 2H2O. When reaction with excess of NaOH, that means यहाँ पर excess of NaOH. The reactions with AlOH का whole thrice plus NaCl. Clear है बेटा? Now use of इसके uses आपको देख लेना है बेटा. Clear है all of you?
ना इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जब हम इसका डाउट्स इसका सीट डिस्कस करेंगे, सीट में मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, ओके okay? इसका स्ट्रक्चर है वो हम सीट में डिस्कस करेंगे, क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ लास्ट इज द एल्यूमिनियम सल्फेट, हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट. बिफोर एल्यूमिनियम सल्फेट आई विल डिस्कस पोटाश एलम. ओके फॉर्मूला, एनीबडी टेल मी द फॉर्मूला. एनीबडी आप लोग बताओ मुझे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, टेल मी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम. +3 ओके कैसे फाइंड किया? SO4 का 2 माइनस है तो 3 टाइम्स और डिवाइड. वेरी गुड. एलम्स आर डबल साल्ट. ओके एंड जनरल फॉर्मूला क्या होता है? M2SO4 डॉट M-2 SO4 का होल ट्राइज डॉट 24H2O और M डॉट M-2 SO4 का होल ट्राइज डॉट 12H2O. ओके वेयर M इज अ मोनोवेलेंट कैटायन और रेडिकल सच एज कैटायंस और रेडिकल. ओके फॉर एग्जाम्पल ओके क्लियर है? नाउ M-2 की बात करूं, M-2 इज ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट कैटायन. ओके दैट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? एनीबडी अभी 11 o'clock से अभी किसी का क्लास है क्या? ओके समझ में आया बेटा? अब पोटास एलम्स जो भी कभी एलम आएगा तो आप उसे समझ जाओगे कि एलम का डेफिनेशन क्या है एंड एलम्स कैसे फॉर्म होता है. एलम्स अकॉर्डिंग टू कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलम्स होते हैं. इनकेस अगर आप मैं एग्जाम्पल लिखाता हूँ आप लोग लिख ही लो. ओके बिकॉज क्वेश्चन तो हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं. पोटास आयरन एलम. द फॉर्मूला इज K2SO4 Fe2SO4 whole thrice dot 24H2O. Next is sodium aluminium alum. Sodium alum. That is the formula is Na2SO4 dot
Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। नेक्स्ट रुबिडियम क्रोमियम एलम, ओके दैट इज Rb2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ओके। मोरेवर सम कॉमन एलम्स आर नेम्ड एज, जो कुछ कॉमन एलम है, पोटास एलम है, क्रोम एलम है, मैग्नेटिक एलम है, फेरिक एलम है, ओके। डिस्कस हो चुका, दैट इज इन पोटास एलम एल्यूमिनियम रिप्लेस विथ क्रोमियम। पोटास एलम में जो मैंने ऊपर लिखा, इसमें एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम रिप्लेस विथ क्रोमियम, ओके सिमिलर है, दैट इज K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट, इसमें ये वाला एल्यूमिनियम रिप्लेस विद दिस क्रोमियम, ओके। नेक्स्ट इज मैग्निक एलम, ओके दिस एल्यूमिनियम रिप्लेस विद Mn। नेक्स्ट इज फेरिक एलम में क्या होगा, दैट इज NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 24H2, ओके क्लियर है बेटा। दीज आर द एलम्स एंड कुछ एलम्स की प्रॉपर्टीज होती हैं एंड यूज होता है, उसको आप लोग देख लेना। नाउ नेक्स्ट इज द दैट इज स्यूडो एलम्स, द स्यूडो एलम्स आर द डबल साल्ट ऑफ सल्फेट्स ऑफ बाई वाई वैलेंस एंड ट्राई वैलेंस कैटाइंस, ओके। Pseudo alums are double salts of Prathamesh, any doubts? क्या doubt है बेटा? एलम्स में पोटेशियम को रिप्लेस करना चाहिए ना, वो एल्यूमिनियम कैसे रिप्लेस हो रहा है सर? मतलब वो पोटेश एलम का नाम वो पोटेशियम से ही? नो बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पोटेश एलम का नाम ऐसा नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता, ओके। हाँ सर, डबल साल्ट ऑफ सल्फेट, डबल साल्ट ऑफ सल्फेट्स ऑफ वाई वैलेंस एंड ट्राइवेलेंट्स कैटायंस, ओके विथ 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दीज आर नॉट आइसो, जो आइसोमॉर्फस होते हैं ना, जो नॉर्मली ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस, ओके ये आप एक पॉइंट इसमें लिख लेना, ओके इन दिस पॉइंट में ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस, ये आप पॉइंट लिखो इसमें,
isomorphous. Okay, now in this point, that is, these are not, isomorphous with the true elements. समझ में आया? आइसोमॉर्फस नहीं है जैसे कि ट्रू एलिमेंट्स होता है. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल दैट इज मैग्नीज एल्यूमिनियम सीडो एलिमेंट्स. Okay, the formula of this like that, MnSO4 dot okay, and similar, that is example 2, ferrous aluminium pseudo alums, that is the formula of FeSO4 dot Al2 क्लियर बेटा? ये एग्जांपल लिखा मैंने, मतलब वो मोनोवेलेंट ही रहना चाहिए क्या Fe की जगह? यस यस बेटा. ओके, मैंने लिखा है ना एलम्स में जो डेफिनेशंस लिखा है मैंने, ये लिखा है ना M है वो मोनोवेलेंट होगा, ये लिखा है मैंने, दिख रहा है ना यहाँ पर बेटा? समझ गए? तो डेफिनेशन से आप देख के भी समझ सकते हो, डेफिनेशन से भी आप लोग समझ सकते हो. क्लियर है? तो एलम्स खत्म हो चुका है, एल्यूमिनियम सल्फेट है उसको हम लोग, जब इसका सीट में आज भेज दूंगा पूरा कवर, ओवरऑल कवर सीट भेज दूंगा, उसमें आपको सॉल्व करना है. तो हमको क्या क्या सीट में डिस्कस करना वो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ. दैट इज, ये तो हो गया. जो नेक्स्ट हमारा सीट आएगा, सीट में वी हैव टू डिस्कस Al2O3, Al2Cl6 का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है. ओके, एंड एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 सल्फेट. एनीथिंग हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं क्या इसके बाद? एल्यूमिनियम सल्फेट डिस्कस करना, ये चीज हम लोग जो सीट डिस्कस करेंगे जनरली 3 to 4 और 4 to 5 लेक्चर में सीट डिस्कशन में लूंगा, काफी बड़ा सीट भेजने वाला हूं मैं, तो उसको आप लोग सॉल्व करना. ओके, क्लियर है? ना अगर अपार्ट फ्रॉम दिस अगर किसी को, और ये तो अभी डिस्कस करना ही है. ओके, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, बाकी ये दोनों तो कुछ भी नहीं है, आप खुद से रीड कर सकते हो. ओके, एंड सबके यूजेस ये तो आपको खुद से पढ़ना है. ओके, तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग सीट में, तो सीट में आपको भेज दूंगा, जब हमारा सीट डिस्कशन स्टार्ट होगा तो वहां पर मुझे याद दिलाना आप लोग कि सर ये डिस्कस करना. क्लियर है ऑल ऑफ यू? एनीथिंग, एनी डाउट्स फॉर टुडे? कोई डाउट है क्या आज के लेक्चर में? देखो, पी ब्लॉक का जो 13 ग्रुप है वो खत्म हो चुका है, पी ब्लॉक का 13 ग्रुप है वो मैं खत्म हो चुका है. अब मैं स्टार्ट करूंगा 14th ग्रुप एलिमेंट्स, दैट इज इसमें कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, ये ग्रुप में स्टार्ट करेंगे हम लोग. क्लियर है? ओके, अगर कोई डाउट होता है बेटा इन दिस लेक्चर, थ्रू आउट द लेक्चर, टोटल 11 लेक्चर हो चुके हैं इसके अभी तक पी ब्लॉक के, तो इस 11 लेक्चर में किसी को कोई डाउट है गो थ्रू करना सारे लेक्चर्स में, अपना नोट्स देखना, जो मेरे नोट्स मैंने भेजे हैं वो देखना. अगर किसी के पास लेक्चर नहीं है तो मैंने 1 to 11 तक सारे लेक्चर भेज दूंगा मैं, मेरे को मैसेज करना, मिल जाएंगे, और ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, तो ग्रुप पे तो ऑलरेडी है ही सारे लेक्चर्स. ओके, कोई भी डाउट समझ में आता है मेरे से पूछना, अगर नहीं पूछोगे तो प्रॉब्लम आपकी है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो. तो एक बात याद रखना, अपने आप को धोखा मत दो कभी, आप ही सफर करोगे, कोई दूसरा सफर करने नहीं आएगा, ना आप
ना आपकी मम्मी हेल्प करेगी, ना पापा हेल्प करेंगे उस टाइम पे, ना हम हेल्प कर पाएंगे अगर आप अपने आप को धोखा दोगे तो। समझ रहे हो? खुद से झूठ मत बोलो और खुद से हेल्प मत, खुद से खुद को धोखा मत दो, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। ओके, सो बाय एवरीवन फॉर टुडे, स्टे सेफ एंड स्टे होम, घर पे रहना, अच्छे से रहना, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछना बेटा। ओके, हां ओके, सो बाय एवरीवन बेटा, बाय बाय सर। हेलो, यस, हाँ हाँ।